राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को मनाने के लिए 2 से 17 अक्टूबर 2020 तक राज्य के सभी शहरों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की अंबाला छावनी में शुरुआत आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने झंडी दिखाकर की। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना काल में पूरी निष्ठा के साथ काम किया। इस मौके पर नगर निगम उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत आज अंबाला शहर और छावनी में की गई है। अंबाला छावनी में लगभग 450 सफाई कर्मचारी इस अभियान में जुड़ेंगे। इस अभियान में नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी मिलकर शहर की सफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में डाले सीवर को इस अभियान के तहत पूरी तरह से साफ किया जाएगा जो पिछले लंबे समय से साफ नहीं हुआ है। इस अभियान में शहर के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। बहुत ही हमारे राष्ट्र के लिए बड़ा ही शुभ दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो इस बार राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री जी ने ये फैसला किया कि क्यों ना 15 दिन का एक ऐसा पखवाड़ा मनाया जाए, क्योंकि हम अक्सर गांधी जयंती को स्वच्छता, सफाई और इससे एसोसिएट करते हैं। तो इस बार ये फैसला किया गया कि सीवर की बड़ी समस्या आती है, सीवर जाम होने की। तो अक्सर सफाई का पखवाड़ा तो मनाया जाता है, उसमें जनरल सफाई होती है या जनरल जो है ना एक सिम्बॉलिक चीज़ें तो बहुत करी जाती हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट कुछ करने की सरकार की इच्छा थी। तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री जी ने, उनको ये आइडिया आया कि इस बार एक कोई कॉन्क्रीट एक दिशा में आप लोग काम करो। तो ये फैसला हुआ कि ये सीवर की सफाई पूरे हरियाणा राज्य में, सिर्फ अंबाला में नहीं, अगले 15 दिन तक सारी लाइनें, जितनी भी मशीनें हैं, चाहे हुडा की हो, चाहे पब्लिक हेल्थ की हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ की हो, चाहे HSIDC की हो, किराए पर लेनी होगी तो किराए पर भी लेंगे, बकेट मशीन है, जेटिंग मशीन है या ये सुपर सकर है जो आपके पीछे है, तो ये अगले 15 दिन में बिल्कुल पूरा एक अभियान के तौर पर सारे सीवर जो है साफ़ किए जाएंगे। विशेष तौर पर जो शिकायत जहाँ से आती है उन पर विशेष ध्यान देंगे, उन पुरानी लाइनों पर। और इसके अलावा हेल्पलाइन भी हम पब्लिश करेंगे अभी आज, तो हर शहर की एक हेल्पलाइन होगी, नागरिक अपनी सीवर से संबंधित समस्या उसमें बता पाएंगे। और सीवर के अलावा मोटी जो सफाई है, नालों की सफाई और उसकी वो सारी सफाई जो अगले 15 दिन तक एक और अच्छे तरीके से की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, जब से ये महामारी शुरू हुई है, हमारा जो विभाग है, हमारे जो सफाई कर्मचारी है, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ और पुलिस के साथ एकदम डट के जो है पूरा किया है। मेरे को ध्यान है जब अप्रैल में, मार्च में, अब तो डर बहुत ख़त्म हो गया लोगों का, अब तो निकलने लग गए, मास्क भी नहीं पहनते, चलान करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। शुरू में बहुत डर था, तो उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, चिड़ी का बच्चा, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी सारे निकले और बहुत सफाई हुई, मतलब उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो मैं इन सबको आज जो है ना बहुत बहुत जो है ना बधाई देता हूँ और आई फील वेरी प्राउड, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इस विभाग में हूँ जो हमारे सारे सफाई कर्मचारी कंधे से कंधा हमारे साथ मिलकर जो है पूरी सफाई कर रहे हैं। और जो उन्होंने इतना सैनिटाइजेशन किया, इतना प्रचार प्रसार किया, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। सर, इसके तो, लिए कोई एक्स्ट्रा लेबर भी लगाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, जो जरूरत होगी एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा मशीन किराए पे सारे लगाए जाएंगे। हमारे जो डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, जैसे हमारे पार्थ जी हैं अंबाला के, तो ये नोडल ऑफिसर और इंचार्ज होंगे। इसी तरह से हर जिले में हमारे जो एक सीनियर ऑफिसर है वो इंचार्ज बनाए हैं, पूरी रूपरेखा हमने तैयार करी है, रोज की रिपोर्ट भी जनरेट होगी और मुझे आशा है इसका बड़ा ही जो है ना लाभ होगा लोगों को। ठीक है, आज ये किया जाएगा और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है ये 2 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें जो जनरल जो क्लिनिनेस की बातें हैं सर, जैसे सफाई हो गई, झाड़ू हो गया, कलेक्शन हो गई, ये इस पर जो है विशेष अभियान से चलाया जाएगा। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी द्वारा जो आदेश हैं, हमने नालों पे, नालियों पे, सीवरेज पे, इन पे फोकस करना है। और इसमें हमारे स्थानीय शहरी स्थानीय जो विभाग है, उसके अलावा जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग है और जो हमारा HSPP विभाग है, ये 3 विभाग इसमें जो है सीवरेज पे, स्टॉर्म वाटर पे, नाले नालियों पे इसमें योगदान दे के, सहयोग करके इस पे जो कैंपेन है वो चलाएंगे। कब तक चलेगा ये कैंपेन? 17 अक्टूबर तक 15 दिन का कैंपेन है। इसकी निगरानी कौन करेगा? इसकी निगरानी जी देखिए, स्टेट लेवल पे भी हो रही है, नेशनल लेवल पे भी हो रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हम लोग सभी लोग जो है तीनों विभाग मिलके निगरानी इसकी करेंगे। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर भी पब्लिक को दिया जा रहा है जिसको वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते? जैसे अभी डायरेक्टर सर ने आपको बताया, पूरे माननीय मंत्री जी के आदेशों द्वारा पूरे हरियाणा में हर एक जो स्थानीय निकाय है वो हेल्पलाइन नंबर जो है उन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर लिया है और आज वो पब्लिश करके शुरुआत उसकी हो जाएगी। पब्लिक और हेल्पलाइन नंबर चालू करेगा। 567 है।